हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंदू हेल्दी किचन। आज हम बनाएंगे होममेड पिज़्ज़ा बेस। चलिए शुरू करते हैं। बनाएंगे पिज़्ज़ा बेस। हमने लिया 2.5 कटोरी, हम ले लेंगे मैदा। अब हम लेंगे थोड़ी सी सूजी, ये लेनी है हमने सिर्फ इतनी, 2 चम्मच के करीब। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, ये बेकिंग सोडा, ये बेकिंग पाउडर, ये भी थोड़ा सा, ये डालेंगे थोड़ा सा घी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे इसमें दही। ये हमने 1/2 कप दही लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी के साथ हम इसको गूंद लेंगे। पानी हमें इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और बेस हमारा ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा ढीला। ये हो गया हमारा तैयार। ये देखो ना, हमारा ये ढीला है और ना ये सख्त है। अब हम इसको थोड़ी देर हम गीले कपड़े से ढक के रख देंगे, उसके बाद हम इसको फेंटेंगे। ये हम गीला कपड़ा करके कवर करके रख देंगे इसको 10 मिनट। ये 10-15 मिनट हो गए हैं। ये अब हम इसमें हम हाथ में ज़रा सा तेल लेंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ये हो गया हमारा। अब हम इसका बेस बनाते हैं। ये हमने इसके 4 पीस कर लिए। अब हम इसी को ऐसे ही फैलाते जाएंगे। ज़्यादा बात है, आप बेलन से भी कर सकते हैं। ये हमारा हो गया। अगर आप इसे एकदम गोल करना चाहते हैं तो इसको प्लेट की सहायता से काट सकते हैं। ये
अब ये फूले ना, इसलिए हमें इसमें फोक से होल कर देने हैं इसमें। ये हो गया हमारा, ये हमने फ्राई पैन रखा, अब ये हल्का सा गर्म हो गया, अब हम सिम पे कर देंगे और ये हम इस पे डाल देंगे और इसको हम एक साइड पकने देंगे, इसको ढक के रख देंगे। ये 2 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट के बाद हम इसे, ये हमारा एक साइड से पक गया है। ये देखो हमारा नॉर्मल तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज्जा सॉस, के लगा लो या फिर सेजवान चटनी, ये हम लगा रहे हैं इस पे सेजवान चटनी। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज, मोजरेला चीज डाल रहे हैं हम। ये अमूल का चीज है जो क्रश किया हुआ ही आता है, आप दूसरा लाके भी क्रश कर सकते हैं उसे कद्दूकस से। मेरी वेजिटेबल्स कटी हुई हैं, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर। अब आप इसे अपने से अच्छे से सर्व करके लगा सकते हैं। जैसे ये पहले टमाटर लगा रही हूँ मैं, शिमला मिर्च लगा देती हूँ, अब हम डालेंगे प्याज। इसमें आप पनीर भी डाल सकते हैं, और कॉर्न भी डाल सकते हैं। मैंने चीज़ इसमें नीचे पहले इसलिए लगाया ताकि इसमें हमें वेजिटेबल्स नज़र आए। हम ऊपर अगर चीज़ डाल देते हैं तो वेजिटेबल्स नज़र नहीं आती हैं, इसलिए पहले चीज़ डाला है फिर वेजिटेबल्स। अब उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ और डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स, अब हम इसके ऊपर दोबारा से चीज डाल देंगे। और हम इसको कवर करके रख देंगे। ये हमारे बिना माइक्रोवेव के हो जाएगा। वाह क्या खुशबू आ रही है। ये देखो हमारा चीज पूरा घुल गया है उसमें, और नीचे का बेस भी हमारा पक गया। एक साइड हमने पका लिया था तब हमने डाला था उसमें ये सब, और नीचे पकने के लिए छोड़ दिया था। अब देखो हमारा चीज भी हो गया पूरा और नीचे से पक भी गया। अब हम इसको उतार के प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखो हमारा क्रंच, ये चीज हमारा कैसे लगा।